सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। उत्तर प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था, जिसके बाद प्रदेश की सत्ता पर गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को काबिज किया गया। योगी आदित्यनाथ, जो कभी किसी विभाग के मंत्री भी नहीं रहे, उन्हें अचानक से मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपे जाने से हर कोई हैरान रह गया था। बीजेपी आलाकमान द्वारा ये फैसला आखिर क्यों लिया गया था और किस वजह से योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था? इस राज से खुद तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अब पर्दा उठाया है। सुनिए क्या कहना है अमित शाह का। जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को कल्पना नहीं थी कि योगी जी मुख्यमंत्री बने। बहुत ढेर सारे लोगों के फोन आए थे कि योगी जी ने कभी म्युनिसिपैलिटी भी नहीं चलाई है। वास्तविकता थी, नहीं चलाई। योगी जी कभी कोई सरकार में मंत्री नहीं रहे। योगी जी सन्यासी है, मिठाधीश है, और इतने बड़े प्रदेश का आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हो, इतना बड़ा प्रशासनिक काम उनको दे रहे हो, जिनके पास प्रशासनिक अनुभव शून्य के बराबर है। तब हमारे नेता नरेंद्र भाई और मैं पार्टी का अध्यक्ष था, हमारा एम एक ही था, जिसके अंदर निष्ठा है और परिश्रम करने की क्षमता है, वो बाकी सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर। और यही दो मानकों के आधार पर उत्तर प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंपा था। और मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, वो निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो उचित ही था और योगी जी ने उसको उचित ठहराया। उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारे परिवर्तन योगी जी के नेतृत्व के अंदर हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जरूरत थी लोगों के अंदर विश्वास जगाने। 22 करोड़ की जनसंख्या वाला एक प्रदेश, अगर हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के विकास के साथ नहीं जुड़ता है तो उसकी क्षमताओं का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए नहीं हो सकता है। और इसलिए उसके अंदर आत्मविश्वास जगाना कि उत्तर प्रदेश भी देश में सर्वोत्तम प्रदेश बन सकता है, वो आत्मविश्वास जगाने का काम योगी आदित्यनाथ।